हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ नई नॉलेज, कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नई एनर्जीज को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम वैदिक मैथ्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को यूज करना सीखेंगे, जिसकी हेल्प से हम अपने कैलकुलेशंस को विद इन फ्यू सेकेंड्स कैलकुलेट कर पाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर्स। टू डिजिट नंबर्स का प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, तो चलिए इस चीज को हम समझते हैं। अगर हमारे पास कोई एक ऐसे स्पेसिफिक नंबर्स दिए गए, जैसे रैंडमली हमने पिक किया 27, 34 और हमने कहा इन दोनों का हमें प्रोडक्ट करना है, तो 27 एंड 34 का जब हमें प्रोडक्ट करना होगा, 27 34, तो हमारे पास एक जो बेसिक फंडामेंटल हुआ करता था वो क्या होता था, हम पहले 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। लेकिन अगर इसी चीज को हम काफी इजी मैनर में सीखने के लिए जाते हैं तो हमारे लिए ये काफी इफेक्टिव हो जाता है, जो किसी फॉरेन रूल से नहीं, हमारे ही भारत में डेवलप की गई एक बहुत पुरानी मैथमेटिक कॉन्सेप्ट से है, जिसे हम सभी लोग वैदिक मैथ्स के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करने के लिए चलता हूं, तो हमारे पास 7 4 28, 4 2 8, 7 3 21, 21 + 8, 29 एंड 2 31, 3 3 2 6 3 9, हमारे पास रिजल्ट आ गया 980। जब आप इस चीज के लिए हैबिचुअल रहोगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोसीजर क्या होता है इसका। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं ए बी एंड सी डी, या सी डी सीक्वेंशियली हो जाएगा, हम इसे एक्स वाई कर देते हैं, और इन दोनों नंबर्स को हमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हम y को b से करते हैं, y को b से कितना आ जाएगा yb, इसमें जो सेकंड डिजिट होगी इसे नॉर्मली हम जैसे कैरी या फॉरवर्ड करते हैं उसी तरीके से हम पिक करेंगे। देन सेकंड स्टेप क्या होगा, ये आपकी यूनिट डिजिट आपको मिल जाएगी। सेकंड आपके पास क्या होगा, y को a से मल्टीप्लाई करिए, x को b से मल्टीप्लाई करिए। y को a से, तो y को a से करिए, y a प्लस एक्स बी, दोनों को ऐड कर दीजिए और फिर उसके बाद x को किससे कर दीजिएगा, x को a से। बस यही हमारे पास टोटल कॉन्सेप्ट होना है। हम कुछ एग्जांपल्स पिक करते हैं जो आपके इस डाउट को क्लियर करेगा कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। जैसे हमारे पास दिया गया 27 × 34, जैसा पहला एग्जांपल हमारे पास था, तो हमने क्या किया था, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 4 28 कैरी 2, 4 2 8 क्रॉस कर दिया 8, 7 3 21 दोनों को ऐड कर दीजिएगा 29, और यहां पर 2 आपके पास कैरी था 31, और 3 2 6 और 6 3 9, 918 इज योर फाइनल आंसर। सिमिलरली हम एक क्वेश्चन को और पिक करते हैं, एक क्वेश्चन हम और पिक करते हैं, हमें दिया गया 39 52। इस तरीके से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। हमारे पास ये रहा 9 2 18 कैरी 1, सिमिलरली 3 2 6 और 9 5 45, तो 6 + 45 51, 51 + 1 52, और ये 5 कैरी आ गया, 5 3 15 20। आप इस चीज को फिर से चेक कर सकते हैं, आपका आंसर एक सिंगल स्टेप में आएगा। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और पिक करते हैं, जैसे हमें दिया गया 64 82, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, 6 2 12, 4 8 4 32, 32 + 12 44, 44 का 4 लिखा, 4 कैरी, और 6 8 48 52, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब जब आप इस कॉन्सेप्ट के लिए बार बार हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपके लिए इन कैलकुलेशंस को करना काफी हद तक इजी हो जाएगा। जैसे आपको दिया गया यहां पर 87
और 74 का, 7 4 28, 8 4 32, 7 7 49। अगर ये प्रॉब्लमेटिक होता है तो आप इसे क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे आप इस कैलकुलेशन के लिए क्या हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, तो कहीं पर कोई दिक्कत आपके पास नहीं आनी। 81 + 2 = 83 कैरी 8, 8 6 8 7 = 56, 56 + 8 हो जाएगा 64। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपके पास ऐसे ही ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आसानी से मिल सकते हैं। आप बिना किसी डाउट के, बिना किसी प्रॉब्लम के, आप आसानी से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको मिला 35 × 44 या 45 कर दीजिए, या फिर 46 कर दीजिए, 6 5 = 30, 6 3 = 18, 18 5 4 = 20, 18 + 20 = 30, 18 + 20 = 38, 38 + 3 = 41, और 4 3 = 12, 12 + 4 = 16 आपके पास ये। तो आप बहुत आसानी से इन कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, एंड ऑन द फिंगर टिप्स आपका कैलकुलेशन भी इजीली हो जाएगा, और आप बहुत ही आसानी से अपने कैलकुलेशन में अपने टाइम को भी बचा सकेंगे। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट में वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।